दोस्तों जैसे जैसे गाड़ी जो है हीट होगी तो इसमें से ये देखो ये सारा ऑयल जो है इकट्ठा हो गया है और नीचे से आ भी रहा है। ठीक है, ये देखो अभी गर्म भी हुई है बोतल जो है, तो जैसे ये ख़त्म होता है तो मैं इसको बाहर निकाल के फेंक दूंगा और नया फिर से लगाऊंगा बोतल भर के। ये ऑयल ही इकट्ठा हो गया है इधर, छोटे छोटे ये देखो पार्टिकल्स बड़े बड़े छोटे छोटे सारे बीच में से निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको किस कोई भी गाड़ी हो जब उसका इंजन से कूलेंट से ऑयल निकालना हो तो यही प्रोसीजर अपनाएं, आपकी जो गाड़ी है सारा जितना भी ऑयल जमा है पाइपों में सारा क्लीन करके बाहर फेंक देगी। सिर्फ इससे एक आधा घंटा लग सकता है, बाकी ज़्यादा एक आधा घंटा फिर ऐसे भी तो ट्रायल लेना ही है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो, काफ़ी फ़ायदेमंद ये जो ट्रिक है काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ही इसको कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये देख ही सकते हो इतना इंजन ऑयल इसमें हो गया है, बाकी इसमें अभी मैं इसको फेंकूँगा और जितनी ये गाड़ी हीट होगी इतना जल्दी से ये बाहर निकलेगा ये इंजन ऑयल इसमें से। तो जब ये साफ़ हो जाएगा बीच से तो नॉर्मल निकलेगा, तो फिर आप उसमें ढक्कन लगा सकते हो, फिर गाड़ी में कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी काफ़ी आ रहा है, अभी आने ही दे उसको, तो जैसे ये भर जाएगा तो एक दो बोतल इसमें से हो सकता है निकले ही, क्योंकि तो ऑयल भी काफ़ी कम हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वरना गाड़ी है तो उसको हम उसमें फॉल्ट आ गया है, कूलेंट और इंजन ऑयल जो है वो मिक्स हो गया है। तो दोस्तों गाड़ी हम टोचन करके लेके आ रहे हैं गाड़ी पे, ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, पीछे गाड़ी आप देख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। गाड़ी आ रही है, काफ़ी बांध के ला रहा हूँ, पीछे आपको दिख नहीं रही होगी दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है कूलेंट और इंजन ऑयल जो है मिक्सिंग होना, तो बाकी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, अभी टोचन करके लेके जा रहे हैं हम। तो आप देख सकते हो आगे रोड है, पीछे गाड़ी आ रही है, टोचन करके मैं बांधा हूँ उस गाड़ी से, टाटा मैजिक से बांधा हूँ, बाकी आपको वर्कशॉप पे लेके इसको बताऊँगा क्या फॉल्ट है इसमें। तो दोस्तों ये गाड़ी पहुँच गई है, तो आप देख सकते हो इसको, ये कूलेंट इसमें इंजन ऑयल आ गया है, अभी इसमें ख़त्म है, मैं इधर बताता हूँ आपको, ये देखो कितना इंजन ऑयल इसमें मिक्स हो गया है। ठीक है, और इसका हम बम्पर खोलेंगे और इसमें हम रेडिएटर साफ़ करेंगे, इसका पाइपलाइन जितनी में सर्विस क्लीन करेंगे, और इसका जो ऑयल कूलर है ये वाला इसको भी चेंज करेंगे, और क्योंकि फॉल्ट इसमें है ज़्यादा, और बाकी इसमें रेडिएटर क्लीन कर, बाकी इसकी सभी एक्सटेंशन जो टैंक है इसका एक्सटेंशन टैंक जो है एक्स्ट्रा जिसमें स्टोरेज रहता है कूलेंट उसको भी क्लीन करेंगे, पाइपलाइन सभी क्लीन करेंगे और रेडिएटर क्लीन करके फिर उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर उसके बाद में अगर और कोई काम करना पड़ा इसका तो फिर वो मैं करूंगा। तो ये भरना है, हुंडई भरना, ये देख सकते हो हुंडई की भरना है ये फ्लूइडिक, तो बाकी मैं आपको इसका जो फिटिंग में है जितनी भी खोल के सारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर देना, और जिस भी गाड़ी की आपको वीडियो चाहिए हो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो देने की। तो अभी करते हैं इसको खोलने का प्रोसीजर। तो आगे से सभी फिटिंग जो है सारी खोल ली है मैंने,
मेरे को चेंज करना है ऑयल कूलर, ये वाला ये चेंज करना है। इसके 4 बोल्ट लगे हैं और एक ये पत्ती लगी होती है, इसको खोल लिया है मैंने। ये 4 बोल्ट इसके 1, 2, 3 और ये 4। बाकी इसका फ्रंट वाला साइड सारी खोल के मैंने बाहर रख ली है। बम्पर भी खोलना पड़ता है, लाइटें भी इसकी खोलनी पड़ती हैं, सारा कुछ खोल के इसको मैंने बाहर रख दिया है। तो मैं इसको करूँगा नया डालूँगा और चेंज करूँगा और रेडिएटर इसका क्लीन करूँगा, पाइपलाइन सारी इसकी क्लीन करूँगा, उसके बाद में देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ये है वरना 1.6 लीटर इंजन। तो बाकी मैं खोलता हूँ इसको 4 वोल्ट इसके, फिर बताता हूँ। दोस्तों इसका मैंने जो ऑयल कूलर था उसका ये मैंने प्लेट चेंज कर दी है, पूरा फुल असेंबलिंग नहीं डाली है इसको ये, क्योंकि ये मेरे को अलग से मिल गया था, वैल्यू का पहले भी डला था और अब भी मेरे को मार्केट से वैल्यू का ही मिल गया है, तो मैंने वैल्यू का ला के इसमें फिट कर दिया है। ये आप देख सकते हो न्यू वाला। ठीक है दोस्तों, बाकी इसकी मैंने आगे से बिल्कुल फिटिंग ओके कर दी है, बम्पर रह गया है इसमें, रेडिएटर भी क्लीन करवाया था और इसका जो टैंक है कूलेंट वाला इसको भी क्लीन करेंगे प्रेशर से, और इसमें मैंने लाया था वैल्यू का जिसका डब्बा है, ये देख सकते हो ऑयल कूलर वरना का वैल्यू कंपनी है ये। ठीक है, वैल्यू है ये देख सकते हो, अलग से मिल गया था ऐसे, इसका मेरे हिसाब से 9-10 हज़ार के समथिंग होगा इसका पूरा वाला, तो ये हमको मिल गया था मार्केट से, ये हमने न्यू डाल दिया है। बाकी इसका भी मैं बम्पर लगाऊंगा और इसकी सारी फिटिंग करके आपको बताऊंगा इसका जो बाकी इसके इंजन में जो कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स हुआ है इसको कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि रेडिएटर तो क्लीन करवा लिया है, उसमें से कैसे हमने ऑयल जो है वो निकालना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो बिल्कुल ओके गाड़ी, इंजन ऑयल भी इसमें फिल कर दिया था मैंने, इंजन ऑयल भी फिल कर दिया है और कूलेंट नहीं डाला अभी, अभी इसमें हमने पानी ही डाला है और अभी इसमें से निकालेंगे हम जितना भी इसके पाइपलाइन में जितना भी इंजन ऑयल है वो निकालेंगे बाहर, वो बाहर निकलेगा इस तरीके से, ये देखो ऐसे निकलेगा ये बाहर, आप देख ही रहे हो जितना भी इसमें ऑयल है कैसे बाहर आ रहा है। जैसे ये भर जाएगी इसको फेंक के फिर दूसरी पर से बोतल लगा दूंगा, इस तरीके से ये इसमें जितना भी ऑयल है वो बाहर निकलेगा, बाकी इसमें लीकेज बिल्कुल नहीं हो ओके है गाड़ी, कम से कम भी ऐसे करते करते मेरे को आधा घंटा तो लग ही जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है, बाकी देखते हैं। तो ये थी वरना। ठीक है दोस्तों, तो बस ऐसे करके हम इसका, ये देखो ऑयल इसमें इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ये ऑयल इकट्ठा हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू। दोस्तों जैसे जैसे गाड़ी जो है हीट होगी तो इसमें से ये देखो ये सारा ऑयल जो है इकट्ठा हो गया है और नीचे से आ भी रहा है, ठीक है ये देखो अभी गर्म भी हुई है बोतल जो है, तो जैसे ये ख़त्म होता है तो मैं इसको बाहर निकाल के फेंक दूंगा और नया फिर से लगाऊंगा बोतल भर के, ये ऑयल ही इकट्ठा हो गया है इधर, छोटे छोटे ये देखो पार्टिकल्स बड़े बड़े छोटे छोटे सारे बीच में से निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको किस कोई भी गाड़ी हो जब उसका इंजन से कूलेंट से ऑयल निकालना हो तो यही प्रोसीजर अपनाएं, आपकी जो गाड़ी है सारा जितना भी ऑयल जमा है पाइपों में सारा क्लीन करके बाहर फेंक देगी, सिर्फ इससे एक आधा घंटा लग सकता है, बाकी ज़्यादा
एक आधा घंटा फिर ऐसे भी तो ट्रायल लेना ही है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। काफ़ी फ़ायदेमंद ये जो ट्रिक है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ही इसको कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये देख ही सकते हो इतना इंजन ऑयल इसमें हो गया है। बाकी इसमें अभी मैं इसको फेंकूँगा और जितनी ये गाड़ी हीट होगी उतना जल्दी से ये बाहर निकलेगा जो इंजन ऑयल है इसमें से। तो जब ये साफ़ हो जाएगा बीच से तो नॉर्मल निकलेगा, तो फिर आप उसमें ढक्कन लगा सकते हो, फिर गाड़ी में कोई टेंशन नहीं है आपको। अभी काफ़ी आ रहा है, अभी आने ही दे उसको, जैसे ये भर जाएगा तो एक दो बोतल इसमें से हो सकता है निकले ही, क्योंकि ऑयल भी काफ़ी कम हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों।